साउंड कोड R100 ईयरबड्स डीलब्लेस। अगर आपने ये परचेज किए हैं, आपका डाउट है इनकी बैटरी लाइफ के लिए, आपको पता करना कि चार्ज कैसे करते हैं या चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, कितने आवर्स की बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिटेल कवर करेंगे एंड मैं आपको एक कंप्लीट बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम का रिव्यू दूंगा साउंड कोड R100 के बारे में। ओके, मेरा नाम है सौरभ गाइस, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल GS Tech। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये ईयरबड्स गाइस मेरे को 1800 रुपये में मिले, अभी प्राइस शायद सेम ही है। ओके, तो काफ़ी अच्छे डिटेल्स मिल जाते हैं, नाइस ग्लॉसी डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बट अगर बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें या चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं हैं वो हम जान लेते हैं गाइस। तो अगर हम यहाँ पे इनकी बैटरी लाइफ देखें या बैटरी कैपेसिटी देखें, तो आप अगर लिड हटाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इनकी बैटरी यहाँ पे मेंशन है, तो करीबन इनमें 500 mAh की बैटरी यहाँ पे मिलती है एंड 24 आवर का बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोटल जो ईयरबड के साथ है, केस के साथ आपको 25 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर इंडिविजुअल ईयरबड्स की बात करें, अगर आप ईयरबड की बात करते हैं तो वो आपको 6.5 घंटे की बैटरी लाइफ देने में केपेबल हैं एज पर साउंड कोड। बट क्या रियलिटी है क्या रियलिटी नहीं है गाइस, अगर हम वो बात करें अगर उस एक्सपेक्ट के आएँ, तो मुझे ये यूज़ करते हुए करीबन 4.5-5 घंटे हो चुके हैं एंड बैटरी नियरली इनकी 10% है। तो अगर 5-5.5 घंटे में 10% है तो करीबन आपको 6 घंटे का बैटरी लाइफ बड़ा ही स्मूथली मिल जाएगा। बैटरी लाइफ वाइज मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, वैसे तो इनसे कोई भी शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छे लुक डिज़ाइन एंड प्रीमियम लुक आप बोल लीजिए आपको 1700-1800 रुपये में मिल जाता है। साउंड कोर जो एंकर की एक सब ब्रांड आप मान लीजिए, ओके, उनकी ओर से तो 25 घंटे का बैटरी बैकअप टोटली बोल रहे हैं। अगर आपको 20 घंटा वो भी मिलता ना तो बेस्ट है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग टाइम की बात करें, अच्छी बात ये है ये फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, आपको इनमें पूरा चार्ज करने में केस को 1.5 घंटा लग जाएगा, ईयरबड आपके विद इन 1 आवर चार्ज हो जाएंगे एंड मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो मेरे पास एक 25 वोल्ट का चार्जर है, उससे तो ये और भी कम टाइम में चार्ज हो जाएंगे। जब भी आप इनको चार्ज करेंगे तो इस टाइप से वाइट लाइट ब्रिंक करेगी, वैसे आपको दिखेगी भी नहीं वाइट लाइट है क्योंकि जो मैट जो इनकी ग्लॉसी फिनिश दी हुई है उसकी वजह से जो सेंसर है वो विजिबल ही नहीं होता जब तक आप इनको ऑन नहीं करते। तो 60 मिनट चार्ज में लग जाते हैं 25 वोल्ट के चार्जर से, ज़्यादा वोल्ट का चार्जर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि लेटर ऑन आपको ही प्रॉब्लम आएगी आपके TWS के रिलेटेड। तो रिक्वेस्ट है आप एक लेस वोल्ट का चार्जर यूज़ कीजिए, चाहे 1.5 घंटा लग जाए चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अगर आप ईयरबड्स की चार्जिंग की बात करें वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, करीबन आपको इनको चार्ज करने में 1 घंटा लग जाता है। ओके, एंड 1 घंटे चार्ज करने के बाद आप 5.5-6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, तो कोई भी बिग डील नहीं है। एंड जब भी आप इनको यूज़ नहीं कर रहे, आप इनको केस में रखेंगे वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी इनको यूज़ करेंगे फिर से 100% से यूज़ करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम TWS परचेज किए हैं एंड आपको नहीं पता कि कैसे चार्ज होता है, तो गाइज इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जब भी ईयरबड को केस में रखते हैं केस को क्लोज करते हैं वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस बात ये होनी चाहिए आपको केस में बैटरी होनी चाहिए, अगर केस में बैटरी नहीं है देन आप केस को चार्ज कर लीजिए एंड केस को चार्ज करते टाइम आप ईयरबड भी चार्ज कर सकते हैं या ईयरबड को यूज़ भी कर सकते हैं, वो टोटली अप टू यू है। तो बैटरी लाइफ वाइज मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, चार्जिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा है एंड मैं ये बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट TWS है। एवरी एक्सपेक्ट में हम देखेंगे टॉप नोट्स तो नहीं है बट हाँ काफ़ी अच्छी रेटिंग ये ले लेते हैं एंड वर्थ इट है जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। बट मैं इनका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आपके लिए ला के दूंगा एंड कुछ दिन बाद 3-4 दिन बाद इनका एक कम्प्लीट रिव्यू करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो लेटर ऑन हम वीडियो में देख लेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए मेरे ओर से इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।